हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए ये इस तरीके का पैटर्न लेके आई हूँ। ये देखिए, ये जेंट्स स्वेटर में बहुत अच्छा लगता है और आप कार्डिगन में भी डाल सकते हैं। ये बच्चों के स्वेटर में भी अच्छा लगता है। ये वाला डिजाइन उभरा उभरा सा आता है काफी। और चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये। इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें 5 के मल्टीपल में फंदे डालने हैं और प्लस 2 फंदे एक्स्ट्रा डालने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें मैंने 17 स्टिचेस डाली हुई हैं। जब हम अपना बॉर्डर कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद फर्स्ट रो हमें ऐसे ही बिननी है। देखिए, शुरुआत के 2 फंदे हम उल्टे बिनेंगे, ये 1 और 2। ये 2 स्टिचेस हम उल्टे बिनेंगे, धागा पीछे, और 3 फंदे हम सीधे बिनेंगे, 1 2 3। फिर धागा आगे करेंगे और 2 फंदे उल्टे बिनेंगे, 1 2। फिर धागा पीछे करेंगे और 3 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2 3। फिर धागा आगे करेंगे। ये पूरी सिलाई हमें ऐसे ही कंप्लीट करनी है। 2 फंदे उल्टे बिनेंगे शुरू के और फिर 3 फंदे सीधे, फिर 2 उल्टे 3 सीधे। ऐसे करते हुए हमें ये पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। ये देखिए, ये 3 फंदे हम उल्टे बिनेंगे, सॉरी सीधे बिनेंगे, और ये लास्ट के 2 फंदे हम उल्टे बिनेंगे। ये देखिए, अब ये हमारी सेकेंड रो है रॉन्ग साइड की, और रॉन्ग साइड हमें हमेशा एक जैसी ही बनानी है, और ये फर्स्ट रो से अपोजिट चलेगी। जो हमारी सीधी रो थी उससे अपोजिट चलेगी। जो फंदे हमें जैसे दिखेंगे इसमें वैसे ही बिनने हैं, मतलब शुरू के ये 2 फंदे सीधे, फिर धागा आगे, और ये 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। धागा पीछे, फिर ये 2 स्टिचेस सीधी, फिर धागा आगे, और ये 3 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, यही पैटर्न चलेगा हमारा हर बार रॉन्ग साइड में। बस थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन पैटर्न हमें यही चलाना है, 2 फंदे सीधे और 3 उल्टे। अब देखिए, फिर हम अपनी थर्ड रो में हैं राइट साइड की। ये वाली भी हम फर्स्ट रो की तरह अपनी कंप्लीट करेंगे। 2 फंदे शुरू के सीधे और धागा आगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। धागा पीछे, 2 फंदे उल्टी कि अब हम अपनी फिफ्थ रो में हैं राइट साइड की। अब यहाँ से डिजाइन पड़ेगा हमारा। जो शुरू के 2 फंदे उल्टे हैं वो तो उल्टे ही रहेंगे, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। ये 2 स्टिचेस हमारी उल्टी रहेंगी। उसके बाद देखिए, ये 3 फंदे हमने सीधे बिने थे। इसमें जो ये मिडिल वाली स्टिच है, ये बीच का जो फंदा है, उसमें देखिए ये फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये तीसरे वाले में यहाँ पर ऐसे सिलाई डालेंगे ऐसे, और यहाँ पहले धागे को हम पीछे कर लेंगे, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड यहाँ पर ऐसे सिलाई डालेंगे, और यहाँ से एक फंदा ऐसे करके बना लेंगे। ये फंदा बनाया नया हमने। उसके बाद ये 3 फंदे हम सीधे बिन लेंगे, 1 2 3। उसके बाद फिर से उसी जगह पे ऐसे करके सिलाई डालेंगे उसी जगह पे, और ये एक फंदा और बना लेंगे नया इस तरीके से। फिर धागा आगे करेंगे और 2 फंदे जो उल्टे थे वो उल्टे बनाएंगे, ये 1 और 2। फिर धागा पीछे करेंगे, फिर वही करना है हमें,
ये जो बीच वाले स्टिच है उसे 1, 2, 3 थर्ड स्टिच में धागा डाल सिलाई डाल के एक नया फंदा बनाएंगे, फिर ये 3 फंदे हम सीधे बिन लेंगे और फिर से उसी जगह पे सिलाई डाल के ऐसे एक नया फंदा बनाएंगे। देखिए फिर धागा आगे करेंगे और 2 फंदे उल्टे बिनेंगे। ये पूरी सिलाई हमें ऐसे ही कंप्लीट करनी है अपनी। देखिए अपनी 6th रो पे हैं हम रॉन्ग साइड की, इसमें हमारा वही पैटर्न चलेगा, पहले के 2 फंदे सीधे बिने, उसके बाद जो ये नया फंदा है वो हम ऐसे ही निकाल लेंगे और धागा आगे करेंगे और ये नए फंदे को ऐसे ही निकाल लेंगे बिना बिने, और ये जो 3 फंदे हम उल्टे बिन रहे थे वो 3 फंदे उल्टे बिनेंगे और फिर ये नया फंदा है इसको हम ऐसे ही कर लेंगे, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे हमारे सीधे थे वो 2 फंदे सीधे बिने, फिर नया वाला फंदा है इसको बिना बिने उतारा। इससे पहले हम धागा पीछे आगे कर लेंगे और इस फंदे को बिना बिना उतारा और फिर 1, 2 और 3 ये 3 स्टिचेस बिनी, फिर इस फंदे को बिना बिना उतारा, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे। पैटर्न हमारा वही चलेगा, बस जो हमारा नया फंदा जो हमने बनाया है उसको हम ऐसे ही उतार लेंगे। धागा पीछे और पूरी सिलाई हमें ऐसे ही कंप्लीट करेंगे अपनी। अब ये देखिए हम अपनी राइट साइड में हैं। अब ये 2 फंदे हम उल्टे बिनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे और इन 2 फंदों को, ये जो हमने नया बनाया था फंदा और ये जो पुराना वाला फंदा है, इसको ऐसे पीछे से सिलाई डालेंगे इसके और 2 फंदों का एक कर लेंगे ऐसे, फिर एक फंदा सीधा बिनेंगे और इन 2 फंदों को, ये नया जो बनाया था फंदा वो और जो पुराना वाला है वो, इनको आगे से सिलाई डाल के, इसको हमें आगे से सिलाई डाल के ऐसे बिनना है सीधा। ये देखिए फिर धागा आगे करेंगे, 2 फंदे हम ऐसे उल्टे बिनेंगे, फिर धागा पीछे, फिर नए वाले फंदे को और पुराने वाले फंदे को पीछे से सिलाई डाल के एक कर लेंगे और ये एक बीच का फंदा सीधा बिना और ये पुराना वाला फंदा नया वाला फंदा दोनों को आगे से सिलाई डाल के फिर धागा आगे, 2 उल्टे। ये पूरी सिलाई हमें ऐसे ही कंप्लीट करनी है पूरी। ये देखिए एक बार हमारा डिजाइन बन चुका है, जिस तरीके का लुक आएगा इसका। अब मैं एक बार और बता देती हूँ आपको, ये राइट साइड है हमारी, शुरुआत के 2 फंदे हम उल्टे बिनेंगे, धागा पीछे करेंगे और अब सीधे हमें डिजाइन वाला पोर्शन बनाना है। अब हम अपनी 5th रो से स्टार्ट करेंगे, 5th रो से हम अपना रिपीट करेंगे, अपनी 1st रो से रिपीट नहीं करेंगे, अब हम 5th रो से रिपीट करेंगे। ये देखिए ये 2 हमने उल्टे बिने और जैसे 5th रो में करा था हमने 1st, 2nd एंड 3rd, ये 3rd स्टिच से ऐसे करके ये ऐसे अंदर से बनाया एक नया फंदा और ये 3 फंदे सीधे बिन लिए, 1, 2, 3 धागा आगे, सॉरी फिर 3 फंदे सीधे बिने, फिर उसी जगह से नया फंदा बनाएंगे ऐसे करके ये, फिर धागा आगे करेंगे और 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे, फिर वही 1st, 2nd एंड 3rd यहाँ से नया फंदा बनाएंगे ऐसे और ये 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे फिर और फिर उसी जगह से दोबारा से सिलाई डाल के एक और नया फंदा बनाएंगे इस तरीके से। ये पूरी सिलाई हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। अब देखिए हम अपनी रॉन्ग साइड में हैं, इसको फिर हम वैसे ही बिनेंगे, 2 फंदे हम सीधे बिनेंगे, धागा आगे करेंगे, ये नया फंदा ऐसे ही उतारेंगे और 3 फंदे उल्टे बिनेंगे जो उल्टे चल रहे थे, 1, 2, 3 और नया फंदा ऐसे उतारा, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, फिर धागा आगे, फिर नया फंदा ऐसे उतारा और ये
टू थ्री। देखिए फिर हम अपनी राइट साइड में है, शुरुआत के दो फंदे हम उल्टे भी लेंगे। हाँ फिर वैसे ये जो नया बनाया था फंदा वो और पुराना वाला फंदा दोनों को पीछे से सिलाई डाल के एक कर लेंगे, धागा पीछे, और इन दोनों को एक साथ बेल लेंगे। फिर एक फंदा सीधा बिनेंगे और फिर ये पुराना वाला फंदा नया वाले फंदे को आगे से सिलाई डाल के सीधा बिन लेंगे। फिर धागा आगे दो फंदे उल्टे जो चल रहे थे वो उल्टे बिनेंगे, धागा पीछे नया वाला फंदा और पुराने वाले फंदे को पीछे से सिलाई डाल के बिनेंगे पहली बार, फिर एक फंदा सीधा बिनेंगे और ये पुराना और नए वाले फंदे को आगे से सिलाई डाल के ऐसे ही बिनेंगे। ये पूरी सिलाई भी ऐसे ही कंप्लीट होगी हमारी। ये देखिए हमारा डिज़ाइन बन गया है, इस तरीके का लुक आएगा इसका बनने के बाद। आगे फिर ये इसी तरीके से कंटिन्यू होगा और फिर इसका लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा जैसे ये बना हुआ है। थैंक यू।